जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के दो स्पेशल एलीट यूनिट के बारे में। एक हो गया स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जिन्हें एसएफएफ भी कहा जाता है, और दूसरा है इंडियन आर्मी का पैरा स्पेशल फोर्सेस। दोनों ही एलीट यूनिट है, दोनों के सिर पर आपको मरून बैरे दिखेंगे, लेकिन इन दोनों के भीतर बहुत ज़्यादा अंतर है। चाहे ऑपरेशन की बात कर लीजिए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर लीजिए, ट्रेनिंग की बात कर लीजिए, पावर की बात कर लीजिए, आज पूरा डिटेल्ड में इन दोनों फोर्सेस को हम समझेंगे और दोनों के भीतर डिफरेंस आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की। देखिए, ये एक एलीट स्पेशल फोर्स यूनिट है जो इंडिया चाइना बॉर्डर क्रॉस करके चाइनीज एनिमी टेरिटरी में घुस करके कोवर्ट ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, इसीलिए इनको बनाया भी गया है। इस फोर्स को बनाया गया था सन 1962 में इंडो चाइना वॉर के बाद। इंडो चाइना वॉर के बाद एक ऐसे फोर्स की ज़रूरत महसूस हुई जो अंडर कवर होकर के ऑपरेट करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर बॉर्डर क्रॉस करके चाइनीज टेरिटरी में घुस करके दुश्मन को ठोक करके आएंगे। उसी चीज़ को फुलफिल करने के लिए बनाया गया था स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को। जैसे कि मैंने बताया, ये फोर्स बिल्कुल क्लासिफाइड और अंडरकवर है। इनके ऑपरेशंस, इनके मूवमेंट ज़्यादातर पब्लिक डोमेन में इनके बारे में बातचीत नहीं की जाती है। अब ये जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, ये डायरेक्टली रॉ के सुपरविजन में काम करता है, लेकिन इसका ऑपरेशनल कंट्रोल इंडियन आर्मी के पास में है, लेकिन सभी बटालियन का नहीं। बटालियन स्ट्रक्चर जब हम समझेंगे तब इसको क्लैरिफाई भी कर देंगे इसी वीडियो में। इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जो IG यानी कि इंस्पेक्टर जनरल होते हैं, वो इंडियन आर्मी का ही एक मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के IG के तौर पर। अब ये तो हो गया बेसिक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं पैरा स्पेशल फोर्सेस किन किन मामलों में इससे अलग है। देखिए, पैरा स्पेशल फोर्सेस इंडियन आर्मी का एक स्पेशल फोर्स यूनिट है। ये एक रेजिमेंट है जिसे पैराशूट रेजिमेंट कहा जाता है। इंडियन आर्मी में रह करके पैरा SF का काम बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। वॉर टाइम और पीस टाइम दोनों ही सिचुएशन पर ये फोर्स ऑपरेट करते हैं। काउंटर टेररिज्म, हॉस्टेज रेस्क्यू, काउंटर इंसर्जेंसी, डायरेक्ट एक्शन, सर्जिकल स्ट्राइक, दुश्मन के इलाके में घुस करके दुश्मन को घर में घुस करके ठोकना, ये काम होता है सर पैरा वालों का। ये पैरा स्पेशल फोर्सेस वाले भारत के किसी भी बॉर्डर पर किसी भी युद्ध में जाकर के ऑपरेट कर सकते हैं। इनको हर एक तरीके की सिचुएशन, हर एक तरीके की एनवायरमेंट में लड़ने की ट्रेनिंग दिया गया है सर। जैसे हम पैरा में बात करते हैं 10 पैरा के बारे में, ये डेजर्ट स्कॉर्पियोन है, डेजर्ट में लड़ने के लिए हाईली ट्रेंड है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं 9 पैरा SF और 4 पैरा SF के बारे में, ये माउंटेन वॉरफेयर में हाईली ट्रेंड होते हैं। तो हर एक सिचुएशन के लिए इन्हें ट्रेंड किया जाता है ताकि हर एक जगह पर पैरा स्पेशल फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा सके। लेकिन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ऐसा नहीं है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स सिर्फ इंडिया टिबेटन बॉर्डर पर ही ऑपरेट करते हैं। कहीं कई सिचुएशन पर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स क्लासिफाइड होकर के अंडरकवर ऑपरेशंस भी करते हैं रॉ के अंडर में आकर के, उसके बारे में आगे चलकर बात करेंगे। देखिए, पैराशूट रेजिमेंट के एलीट यूनिट को रेज किया गया था 50th पैराशूट ब्रिगेड के तौर पे अक्टूबर 1941 में। तो सबसे पहले ऑपरेशन जो करने के तरीके हैं उनमें हमने डिफरेंस देखा कि पैरा स्पेशल फोर्सेस कहां पर ऑपरेट करता है और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कहां पर ऑपरेट करता है। अब बात करते हैं इन दोनों के स्ट्रक्चर में क्या कुछ अलग है और कमांड और कंट्रोल किस तरीके से अलग है। देखिए, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में कुल मिलाकर के 6 बटालियन है। इन सभी बटालियंस को विकास बटालियन कहा जाता है। 1 विकास, 2 विकास, 3 विकास, 5 विकास, 6 विकास, 7 विकास, हर एक विकास यानी कि बटालियन में 800 के आसपास में ट्रूप्स रहते हैं। सिर्फ 4 विकास को छोड़कर के हर एक बटालियन को कमांड करता है एक इंडियन आर्मी से आया हुआ कर्नल रैंक के ऑफिसर, और हर एक बटालियन में कर्नल रैंक के ऑफिसर के अलावा भी 5 इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स रहते हैं जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में आकर के काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको कुछ नाम भी बता देता हूं। कर्नल राजीव भारवान साहब, वो भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में कर्नल रैंक में ही तैनात थे। और जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का 4 विकास है, ये डायरेक्टली रॉ के अंडर में आता है। इसे स्पेशल ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। कुल मिलाकर के स्पेशल ग्रुप 3 ग्रुप को लेकर के बनता है, उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। अब ये तो हो गया स्ट्रक्चर, अब बात करते हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में जो लोकल टिबेटियंस है, जो नेपाली गोरखाज हैं, जिनको उस एरिया के बारे में पता है, जिनका बचपन गुजरा है उन एरियाज में, ज़्यादातर उन्हें स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में रिक्रूट किया जाता है। इनका जो रैंक्स और इंसिग्निया है वो भी अलग है। स्क्रीन पर जो रैंक आपको दिख रहा है ये मेजर रैंक है, दूसरा जो रैंक आपको दिख रहा है ये कर्नल रैंक है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, SFF के हर एक सोल्जर
पैराशूट जंप क्वालिफाइड भी होते हैं, इसीलिए इन्हें मरून बैरे दिया जाता है। मरून बैरे के साथ साथ में आपको पैरा विंग बैज भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के चेस्ट पर दिख जाएंगे। अब बात करते हैं पैरा स्पेशल फोर्सेस का स्ट्रक्चर किस तरीके से स्पेशल फ्रंटियर फोर्स से अलग है। देखिए, पैरा का जो स्ट्रक्चर है वो टोटली इंडियन आर्मी का ही स्ट्रक्चर है। पैरा का जो रैंक्स है, कैप्टन, मेजर, कर्नल, वो सभी इंडियन आर्मी के दूसरे रेजिमेंट और कोर में जो मेजर होते हैं उनके तरह ही रैंक्स इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ रेजिमेंट चेंज होता है, वो होता है पैराशूट रेजिमेंट। पैराशूट रेजिमेंट में कुल मिलाकर के 15 बटालियन मौजूद है। अब पैरा स्पेशल फोर्सेस बनने के लिए कोई भी इंडियन आर्मी से किसी भी रेजिमेंट या फिर कोर से वॉलंटियर कर सकता है पैरा स्पेशल फोर्सेस में जाने के लिए। पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा होने के लिए सभी पैरा जंप क्वालिफाइड होने चाहिए, तो इनके चेस्ट पर भी आपको वो पैरा विंग बैज दिखेगा। लेकिन साथ में स्पेशल फोर्सेस के एक और बैज दिखेगा, वो है बलिदान बैज, जो आपको सिर्फ पैरा स्पेशल फोर्सेस के चेस्ट में दिखेंगे। तो देखिए, पैरा स्पेशल फोर्सेस एक प्रॉपर स्पेशल फोर्स है इंडियन आर्मी का। इसका जो ऑपरेशनल एरिया है वो बहुत बड़ा है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स से। इनका जो ऑपरेशन एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स से। इनफैक्ट जैसे कि मैंने पहले बताया कि भारत के फोर्सेस में एक स्पेशल ग्रुप बनता है जो 3 यूनिट को लेकर के बनता है, एलिट यूनिट को लेकर के। सबसे पहला यूनिट है ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का 4 विकास, दूसरा यूनिट है 22SF और तीसरा यूनिट है 22SG। ये तीनों ही रॉ का एक स्पेशल फोर्स यूनिट है। अब 4 विकास में भी पैरा एसएफ वाले भी जाते हैं और रॉ के अंडर में रह करके ऑपरेट करते हैं, तो इसके बारे में किसी अलग वीडियो में बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे कि ये स्पेशल ग्रुप एक्चुअली है क्या। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग नीचे आकर के ये भी कमेंट करेंगे कि बहुत सारे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के पर्सनल्स के यूनिफॉर्म में हमने बलिदान बैच भी देखा है। बिल्कुल देखा होगा, वो इसलिए होता है क्योंकि वो बंदा जो है वो पैरा स्पेशल फोर्सेस से आया है। मैं आपको नाम गिनवा देता हूँ, कर्नल विशाल दुबे साहब, वो भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में आए हुए थे। अब स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में ड्यूटी करने के दौरान भी उनके चेस्ट पर आपको बलिदान दिखेगा, क्योंकि वो बंदा पैरा एसएफ से आया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस यूट्यूब चैनल को इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए। मिलता आपसे अगले वीडियो में सर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।